दोस्तों अली खान ने बचपन से ही एक्टिंग करने का सपना देखा जरूर, लेकिन 96 किलो वजन के कारण कभी भी नहीं सोचा कि वो एक्टिंग कर पाएगी। स्कूल कॉलेज हर जगह लोग उन्हें मोटी कहकर पुकारते थे। सारा अली खान की फिलहाल 2 फिल्में आने वाली है, केदारनाथ और सिम्बा। दोस्तों सारा अली खान कहती है, वैसे तो करीना हर चीज बहुत अच्छे से करती है, लेकिन जो एक चीज मैं उनसे सीखना चाहती हूँ वो है बैलेंस इन लाइफ। इंशाल्लाह एक दिन मैं ये जरूर सीखूंगी उनसे। बचपन में सारा एक किरदार की फैन थी, वो था कभी खुशी कभी गम में करीना कपूर का किरदार पू। दोस्तों सारा अली खान ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी पसंदीदा पू ही उनके पापा की दूसरी बीवी बनेगी। सारा अली खान ने कहा कि 23 साल से मैं ये सपना देख रही हूँ, पर 4-5 साल की उम्र में ही मैंने ठान लिया कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। दोस्तों बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाली सारा अली खान ने स्कूल में एडमिशन देने वाली हेडमास्टर को फोन पर ही दमादम मस्त कलंदर गाना सुनाया और मम्मी पापा के पसंदीदा स्कूल में आसानी से एडमिशन ले लिया। दोस्तों सारा अली खान कहती है कि कॉलेज के 2 साल के खत्म होते होते मैंने ठान ही लिया कि मुझे एक्टर ही बनना है। उस वक्त एक बड़ी प्रॉब्लम मेरी वजन था, लेकिन जब ठान ही लिया तो मैंने ठान ही लिया। 3 साल तक मैंने वजन घटाना शुरू कर दिया। दोस्तों सारा अली खान कहती है कि मैंने केदारनाथ फिल्म को करने के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन जब शूटिंग करने पहुंची तब पता चला कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ट्रेलर में एक सीन है जहाँ मैं गंगा में डुबकी लगा रही हूँ, उस समय बहुत ही ठंड होती है, पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल रही हो, लेकिन सेट पर काम का कभी पता ही नहीं चला, सब कुछ आसानी से हो गया। दोस्तों सेट से बाहर आकर पता लगता था कि तबीयत खराब है या पैर में दर्द है, पर कैमरे के सामने कभी भी ये महसूस नहीं हुआ। जल्दी सारा अली खान 2 फिल्मों में नजर आएगी, एक अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ और दूसरी है रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा, जो केदारनाथ के 3 हफ्ते बाद यानी कि 28 दिसंबर को रिलीज होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।